तुम सब जीवन भर मेरे साथ रहोगे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पति मुझसे ज्यादा तुमसे ही प्यार करते हैं। सच कहूं, कभी कभी तो तुमसे बहुत चिढ़ाती है, कभी कभी तो लगता है तुम मेरे सौतन हो। क्योंकि मेरी काकी कहती थी, अगर आपका पति अपने पत्नी को भूलकर किसी और को चाहता है तो उसे सौतन कहते हैं। तुम सब मुझे वही लगती हो। लेकिन कभी कभी उन्हें तुम्हारा साथ देखती हूँ तो प्यार भी आता है। और एक दिन यही प्यार ले डूबेगा तुम्हारे जीवन को। जेठानी हूँ इसलिए समझा रही हूँ, यू पढ़ लिख कर साहब वाली नौकरी का सपना देखने से हमारी जात और हमारी औकात नहीं बदल जाएगी, समझी? बचपन से तुम्हारे पति पर पढ़ने का भूत सवार है, इसे उतारो, नहीं तो जीवन भर तुम्हारे खर्चे कोई और नहीं चलाता रहेगा। दीदी वो कहते हैं कि किताबें पढ़ाई एक दिन इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगी। बंगार वाले डब्बा बाल्टी बंगार वाले। अच्छा बड़ा आदमी, आओ। काकी। हाँ। ऐसे कुल 30-35 किताबें हैं, कितने की होगी? 30, ज्यादा से ज्यादा 12 आने। नहीं बेचनी है, आप जाइए। मैं इनकी किताबें बेचने नहीं दूंगी। मैं इन्हें बेच नहीं रही हूँ, बस तुम्हें इन किताबों की कीमत बता रही हूँ। इन 12 आने की चीज के लिए तुम्हारा पति अपने जीवन के सबसे कीमती समय गवा रहा है। अभी भी समय है, भीमराव को समझाओ और काम पर भेजो, नहीं तो एक दिन तुम दोनों का जीवन कबाड़ बन जाएगा। इन कबाड़ बनी किताबों के तो फिर भी 12 आने मिल रहे हैं, तुम दोनों के कबाड़ जीवन की कोई फूटी कौड़ी भी नहीं देखा। लक्ष्मी, मैं कम इन सर। आओ। भीमराव तुम लोग यहाँ, इस वक्त तुम्हें क्लास में होना चाहिए था। गुरुजी ने क्लास में जाने ही नहीं दिया सर। क्यों? इस उच्च कोटि के विषय को पढ़ने के लिए व्यक्ति भी उच्च कोटि का होना जरूरी है। अगर विज्ञान की कक्षा में पढ़ना है तो हमारे साथ पूजा करनी होगी और ये अपना शुद्धिकरण करना होगा। यस सर। भीमराव तुम्हें क्यों लगता है कि इन लोगों ने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत है? इसीलिए सर, क्योंकि ये विद्यालय है, यहाँ पढ़ने वाले होते हैं, पढ़ाने वाले होते हैं और पढ़ाई अच्छे से हो ये सुनिश्चित करने वाले भी होते हैं। सर इसके अलावा यहाँ किसी जात धर्म सांप्रदाय का कोई स्थान नहीं। और हमें ये भी समझना होगा सर कि ये विद्यालय कोई धार्मिक संस्थान नहीं है कि कट्टर धार्मिक मान्यताओं के आधार पर शिक्षा से जुड़े फैसले लिए जाए या फिर धार्मिक शुद्धिकरण अशुद्धिकरण जैसे क्रियाकलाप किए जाए। सर यहाँ पर सभी धर्मों के छात्र है, अध्यापक है, सभी धर्मों की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। फिर यहाँ पर पढ़ने और ना पढ़ने के लिए किसी एक धर्म को आधार क्यों बनाया जाता है सर? क्यों ना हम धर्म को ही इस विद्यालय से बाहर रखें और यहाँ पर सिर्फ शिक्षा की बातें करें, शिक्षा के मापदंडों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तय करें, ना कि धार्मिक शुद्धि और अशुद्धि के आधार पर। इसलिए प्रिंसिपल सर,
एक विद्यार्थी होने के नाते ये मेरा पूरा हक है। मैं चाहे जो विषय चाहूं उसे पढ़ सकता हूं, और उसके लिए मेरा चयन मेरी प्रतिभा को देखकर किया जाए, ना कि मेरी जाति को देखकर। तुम्हारे कहने से कोई अपने धर्म को विद्यालय के बाहर छोड़कर नहीं आ सकता, बल्कि वो अपने साथ लेकर आ सकता है। धर्म, कुल, जाति, इन सब का त्याग करके कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रह सकता, चाहे वो अपने घर में हो, विद्यालय में हो, या मृत्युशैया पर हो। हमारे धर्म, कुल, जाति, ये सब हमें अनुमति नहीं देते कि छोटे कुल के जाति ऊंचे कुल के लोगों के साथ विज्ञान पढ़ सके। विज्ञान की कक्षा में एक ही यंत्र से अनेक विद्यार्थी पढ़ते हैं, भीम का छुआ हुआ और कोई कैसे छुएगा? सही कह रहे हैं गुरुजी, हम इन छोटी जात का छुआ हुआ यंत्र प्रयोग नहीं कर सकते। नहीं प्रिंसिपल सर, ये बात सही नहीं है। ये छुआछूत का कैसा बात करते हैं ये लोग, विच इज नॉट गुड। दबक सर, आपका तो धर्म ही दूसरा है, आप इसमें दखल ना दे तो ही अच्छा होगा। मैं तो आप ही के धर्म का हूँ और उच्च कुल का भी हूँ अजिंक्य राव जी, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि भीमराव सही कह रहा है। अरे हमें तो शर्म आती है कि आज ऐसा वक्त आ गया है कि हम धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। शिक्षा सबसे बाद में आई थी और धर्म सबसे पहले। इसलिए प्रिंसिपल सर, हम हमारे धर्म के रक्षा हेतु अपने मांग पर अड़े रहेंगे। भीमराव को विज्ञान नहीं पढ़ने देंगे और इस मांग के लिए हम हड़ताल करेंगे। बचपन से यही सब होता आ रहा है मेरे साथ, लेकिन प्रिंसिपल सर, फिर भी मैं इतना ही कहूंगा कि मुझे पढ़ने दिया जाए। एक दिन इस विद्यालय को मुझ पे नाज होगा। पढ़ाई में इतनी मेहनत करूंगा मैं कि सब लोग पूछेंगे, भीमराव तुम कौन से विद्यालय में पढ़े हो? जैसे प्रिंसिपल सर, मेरे एडमिशन के दिन इसी जगह पर आपने कहा था, भीमराव मुझे नाज है तुम पर कि तुम्हारे जैसा स्टूडेंट इस कॉलेज में पढ़ेगा, क्योंकि मैट्रिक के एग्जाम में जो ये नंबर लाए हैं उससे ना सिर्फ बॉम्बे कर्नाटका में भी सबसे ज्यादा अंक लाने वाले स्टूडेंट की लिस्ट में ये शामिल हो गए हैं, उसके साथ ही अपनी जात में मैट्रिक करने वाले ये पहले स्टूडेंट हैं, और वो भी इतने अच्छे नंबर के साथ। इससे ना सिर्फ तुम्हारी बिरादरी को, हमें भी तुम पर गर्व है। इसके लिए इनाम के तौर पर मैं तुम्हें ये किताबें, कॉपियां और ये पेन गिफ्ट करता हूं। प्रिंसिपल सर, अब जब मुझे पढ़ने से रोका जाएगा तो मैं क्या करूं उस किताब का, कलम, कॉपी का और उस सम्मान का? बंबई, कर्नाटक के लोगों में क्या संदेश जाएगा? फिर इनाम की चीजें फेंक दे भीमराव। इससे संदेश यही जाएगा कि तुम छोटी जात के लोगों को पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। कितनी शान से एक इंसान का हक छीनने का ढिंढोरा पीट रहे हो तुम लोग, शर्म नहीं आती है? किसी के प्रगति करने के हक पर अपने अहंकार का हथौड़ा चलाते हुए क्या यह भी समझ में नहीं आता है कि तुम लोग क्या बोल रहे हो? प्रिंसिपल सर, अब आप ही फैसला कीजिए। तुम विज्ञान क्यों नहीं पढ़ते हो? तुम तो पढ़ाई में अच्छे हो। सर, विज्ञान पढ़ने के लिए जीवों की हत्या करनी पड़ती है और मरे हुए जीवों के बारे में अध्ययन करना पड़ता है, जो मेरे धर्म के विरुद्ध है। और तुम क्यों नहीं पढ़ते? सर, मेरे घर में लहसुन और प्याज नहीं खाया जाता है, तो मेंढक और केचुआ चीर कर मैं विज्ञान कैसे पढ़ पाऊंगा? पद्माकर जी, इन बच्चों को समझाइए कि ये विज्ञान पढ़ें। इनके पढ़ने से आपकी प्रयोगशाला अशुद्ध नहीं होगी शायद। सर, इनको इनकी इच्छा के खिलाफ जबरदस्ती तो नहीं पढ़ा सकता ना? लेकिन भीमराव को उसकी इच्छा के विरुद्ध पढ़ने से रोक सकते हैं आप? ये कैसा दोहरा बर्ताव है आपका स्टूडेंट्स के साथ? ये किस तरह के पीढ़ी का निर्माण करना चाहते हैं आप? सर, इसमें पीढ़ी निर्माण की बात कहां से आ गई? कॉलेज समाज का हिस्सा है, लेकिन समाज के बनाए नियमों पर चलने के लिए नहीं है, बल्कि कॉलेज वो जगह है जहां पर समाज की प्रॉब्लम्स
और उसमें फैली कुरीतियों को दूर करने की समझ छात्रों में पैदा की जाती है। उसके बाद यही छात्र कॉलेज से निकलकर समाज बदलते हैं। ये बच्चे पौधे हैं, इन्हें सद्गुणों का पेड़ बनाइए, तभी समाज को परिवर्तनकारी फल मिलेगा। जो साफ मन से पढ़ना चाहते हैं उन्हें पढ़ने दीजिए, और ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टूडेंट को सब बताए। मैं आप सबको ऑफिस बुलाकर भी ये फैसला दे सकता था कि भीमराव जो चाहता है वही पढ़ेगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना था। मैं चाहता था कि कॉलेज में सब आए और देखें और इस बात को समझें कि यहां किसी को पढ़ने से नहीं रोका जा सकेगा। और आप सब मुझे आज शाम तक लिखित में ये जवाब दीजिए कि प्रयोगशाला की शुद्धि के नाम पर, किसी धर्म विशेष के नाम पर आपने जो ये कर्मकांड का आयोजन किया है, उसके लिए मैं आप सबको क्यों ना निष्कासित कर दूं। भीमराव, तुम क्लास में जा सकते हो। धन्यवाद सर। आप समझते क्यों नहीं है इन किताबों को लेकर कितनी लड़ाइयां होती हैं इस घर में, मुझे कितना कुछ सुनना पड़ता है। ऐसा लगता है कि इस घर के सारे मुसीबतों की जड़ यही है, ये किताबें। रोज रोज सुन के नहीं लूंगी, अच्छा नहीं लगता। आपको कोई तो बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि मैं भी चैन से रह सकूं और आपकी किताबें भी। समझ गए? आज तो जब मैं साफ करके ही दम लूंगी। सिर्फ बड़ी और भारी वस्तु यही नहीं, जब हम एक चादर को झाड़ते हैं तो उससे धूल के छोटे छोटे कण जमीन पर आकर गिरते हैं। क्यों? वैसे तो बहुत ही छोटे और हल्के होते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जमीन पर ही आकर क्यों गिरते हैं? क्यों? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा, हम लोग जब एक चादर को झाड़ते हैं तो उससे धूल के कण धीरे धीरे जमीन पर गिरते हैं। चूंकि ये बहुत सूक्ष्म और हल्के होते हैं, इसलिए देर तक हवा में रह पाते हैं और इधर उधर भी चले जाते हैं, लेकिन अंत में जमीन पर ही आकर गिरते हैं। समझ गए? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का बल समझ गए? गुरुजी, क्या है गुरुजी? लेकिन लोहे के कण जल्दी और धूल के कण धीरे धीरे पृथ्वी पर क्यों गिरते हैं? देखो, तुम्हें कक्षा में पढ़ने दिया जा रहा है, ये बहुत है, ज्यादा सवाल मत पूछो। अब समझ में नहीं आया तो सवाल ही पूछूंगा ना गुरुजी। अच्छा तो पूछो सवाल। आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है, बाकी कल पढ़ेंगे। अब जिसको पूछना है पूछ लेना। इसे सही से नहीं जोड़ा गया, फिर से एक बार जोड़ो। सेठ जी, आप तो कुछ भी पहुंचने से पहले दो बार जांचता हूं, गलत नहीं होगा। गधा दिख रहा हूं मैं तुम्हें? गधा दिख रहा हूं सुखदेव? क्या बात है सेठ जी? इसे जरा जोड़ो तो। अगर ये गलत हुआ तो आज इस राम जी की नौकरी तो गई। पर हिसाब तो सही है सेठ जी। सेठ जी, महीने में चार दिन हड़ताल थी, दो दिन बहुत बारिश हो गई थी, उन छह दिनों में ना कच्चा माल आया ना तैयार माल बाहर गया, इसलिए आपको इस महीने में हिसाब में कमी दिखाई दे रही है। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ अपना काम करो। मैं सब जानता हूं, समझे? सिखाने की कोशिश मत करो, सुधारो अपने आप को, बदतमीज आदमी हो। मालिक से बात करने का तरीका भी पता नहीं तुम्हें। चलो मोहन। हाँ, वो सेठ जी को कुछ याद वाद रहता नहीं है, बस चिल्लाता रहता है।
राम जी भाव, आप बहुत गुणी व्यक्ति हैं, आप दूसरी जगह कोशिश क्यों नहीं करते? और हफ्ते 10 दिन में तो नौकरी मिल ही जाएगी और इससे ज्यादा पैसे भी मिलेंगे आपको। ज्यादा पैसे मिलेंगे तो चला भी जाऊंगा, लेकिन 10-12 दिन खाली नहीं बैठ सकता, मेरा परिवार कैसे चलेगा? रमा, ओ रमा, काहो काकी, काहे रमा को बुला रही हो? रमा के बगैर तुम्हारा कोई काम नहीं चलता का? अगर रमा बैठ के बात करती है ना तो अच्छा लगता है। हाँ, उकरे पास और कोई काम धंधा तो है नहीं, बैठ के खाली तुमसे बतियाए हंसी ठट्टा करे। पता नहीं आज रमा घर से बाहर क्यों नहीं आई। रमा, ओ रमा, रमा जाना बाहर बेटा, तेरे से बात किए बिना डलिया अम्मा का मन कहीं नहीं लगेगा। नहीं, आप पहले उनसे बात करूंगी फिर किसी से। क्या हुआ, गुस्से में हो? गुस्से में क्यों रहूंगी? जीजा बहन ने या लक्ष्मी बहन ने कुछ कहा क्या? नहीं, वो क्यों कुछ कहेंगे? इधर आओ, मेरे पास आओ और बताओ क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ। इधर आओ, वो काम छोड़ो, सब्जी लेकर आओ हमारे पैसे से। हमारे पैसे? ये पैसे देने के वक्त हमारे बोलना जरूरी है? हाँ, कभी कभी सच को बार बार बताना जरूरी है। रुक, चल मेरे साथ। कहाँ? कुछ दिखाती हूँ, चल। रमा, तुम बाजार जा रही हो ना? हाँ। ये पैसे रख और मेरे लिए सब्जी ले आना। रमा, मेरे लिए बाजार से एक सेट चावल लेके आना। रमा, अरे रुको रुको, तनी रुको, ई पकड़ो हमरा थैला आ ई लो पैसा है, और हमरे लिए ना धोती रंगे वाला रंग ले आना बाजार से। हां ठीक है। एगो लाल, एगो तोता वाला हरा, एगो सिंदूरी पीला, ऐसे है, ठीक है ना? जा। रमा सुनना, ई हमरा भी झोला ले लो, बाजार जा रही हो ना तो धूप ले जाना थोड़ा हमरे लिए भी। ठीक है। ई लो पैसा। यही दिखाने के लिए तुझे बाहर लेकर आई थी जीजा भाई, असल में तेरी मुश्किल यही है कि जिसे सब प्यार करते हैं उसे तू नफरत करती है, जैसे कि पहले भीम और अब रमा। कभी कभी बिना वजह किसी से नफरत करने से बाद में पछताना पड़ता है। समझा रही हूं, समझ ले, क्योंकि बाद में अफसोस करने के सिवा हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। वजह तो मेरी बिल्कुल सही है दीदी, आप भी एक औरत है और मैं भी, ये तो आप भी समझती है कि घर में इज्जत उसी औरत की होती है जिसका पति कमाता हो, आप भी समझी। नहीं समझेगी है। आज की घटना से एक बात तो सीखने को मिल ही गई है, हमारे धर्म के सभी उच्च जाति के शिक्षक हमारे साथ और उस भीमराव के खिलाफ होते तो प्रिंसिपल सर को भी भीमराव का समर्थन करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता। सही कहा नरुत, अब अपने ही जात के लोग आपस में अलग अलग बातें करेंगे तो भीमराव जैसे छोटी जात के लोग तो फायदा उठाएंगे ही ना। अब अपने नाम जोशी सर को ही देख लो, ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद भी क्या करते हैं, छोटी जात के मजदूरों के हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनके लिए संगठन बनाते हैं, पर्चे निकालते हैं, मसीहा बन रहे हैं छोटी जात में, तो तुम्हारा साथ कैसे देंगे? लेकिन कब तक? इसी कॉलेज में हम भी हैं और वो भीमराव,
और फिर चार विज्ञान की किताबें पढ़ भी लेगा तो हैसियत तो वही रहेगी ना। वो देखो भीमराव, चलो इसके मजे लेते हैं। ओ मिस्टर भीमराव आओ ना। सुबह से बहुत मेहनत की है तुमने, आकर एक कप चाय पियो हमारे साथ। ए तुम भी ना, विज्ञान की कक्षा अभी खत्म हुई है, बड़ी तर्कपूर्ण बातें करो। इस भीमराव को इस कैंटीन में पानी भी नहीं मिलेगा तो चाय कहाँ से मिलेगी। हर तरह के जानवर यहाँ आ सकते हैं लेकिन ये नहीं यहाँ आ सकता। पर तुम लोग चिंता मत करो, भीमराव विज्ञान पढ़ रहा है, कोई ना कोई फार्मूला तो अवश्य ढूंढ लाएगा। कौन सा फार्मूला? यही कि छोटी जाति को बड़ी जाति कैसे बनाया जाए, ताकि कोई किसी इंसान को जानवरों से गया गुजरा ना समझे। जैसे जानवरों को तो हम यहाँ बर्दाश्त कर लेंगे, पर इस भीमराव को कैसे बर्दाश्त करें, इसकी आदत नहीं है हमें। ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ना ऊंची हो, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा